हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने जनरल हिंदी के क्वेश्चंस किए थे जो आपके एचपी पीजीटी के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। आपको पता है कि एचपी पीजीटी के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पेपर वन और पेपर टू में पेपर को डिवाइड कर दिया गया है। पहले एक एग्ज़ाम होता था, अब आपके टू पेपर्स होंगे। और जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपसे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10-10 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये दोनों 20 मार्क्स के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी पेपर वन में है। पेपर वन और पेपर टू दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। आज हम जनरल हिंदी के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। जनरल हिंदी के क्वेश्चन हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, आज हम सेकंड क्लास करेंगे जिसमें जनरल इंग्लिश के एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब भी टीजीटी की पोस्ट निकलेंगी तो उसमें भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो सकता है। एग्ज़ाम पैटर्न पेपर वन और पेपर टू उसमें भी फॉलो किया जा सकता है, इसलिए आप अपना प्रिपरेशन अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये क्वेश्चंस आपके लिए एचपी पीजीटी एचपी टीजीटी साथ ही केवीएस एनवीएस या अगर आप एचपी सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज़ द सबसे पहला जो क्वेश्चंस है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। इनमें आपको आर्टिकल्स करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। देन क्वेश्चन नंबर वन इज़ द शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर एंड द ऑप्शन आर ए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द एन, द एंड नो आर्टिकल, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टूडे, ऑप्शन आर ए एंड द एंड नो आर्टिकल, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टूडे। जब भी आप जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले जो टॉपिक्स हैं वो आप क्लियर ज़रूर कर लें। इनके आपको प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं। अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो वही आपके इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं, बस हिंदी और इंग्लिश का जो मीडियम है वही चेंज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ही इज़ डैश हॉनेस्ट ऑफिशियल, एंड द करेक्ट ऑप्शन आर ए एन द एंड नो आर्टिकल, एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर ए, ही इज़ अ हॉनेस्ट ऑफिशियल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन नंबर फोर, लेट्स प्ले डैश चेस, ऑप्शन आर नो आर्टिकल, ए एन या द, इसमें क्या यूज़ होगा? देन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेट्स प्ले चेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन नंबर फाइव, ही होप्स टू जॉइन डैश यूनिवर्सिटी सून, ऑप्शन आर ए एन द एंड नो आर्टिकल, एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर ए, ही होप्स टू जॉइन अ यूनिवर्सिटी सून। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फाइंड आउट द एडजेक्टिव, इनमें आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो है अफेक्शन के लिए ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको एडजेक्टिव जो है इनमें फाइंड आउट करना है। अफेक्शन में ऑप्शन हैं अफेक्ट, अफेक्शनेट, अफेक्टिंगली या अफेक्शनेटली, एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर बी, अफेक्शनेट। एडजेक्टिव अफेक्शन का जो एडजेक्टिव होगा वो होगा अफेक्शनेट। एडजेक्टिव मतलब विशेषण की आपको जो डेफिनेशन है वो पता होगी। जो भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है, एंड अफेक्शन का जो एडजेक्टिव होगा वो अफेक्शनेट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सीजन, सीजन का एडजेक्टिव कौन सा होगा, सीजनल, सीजनिंग, सीजनेबल या सीजनड, एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर डी, सीजनड इज़ द एडजेक्टिव ऑफ सीजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द थैंक ऑप्शन आर थैंकिंगली, थैंकफुली एंड नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर बी, थैंकफुली, थैंक का एडजेक्टिव होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द केयर के ऑप्शन हैं केयरलेसनेस, केयरफुल, केयरिंगली या केयरफुलनेस, एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर बी, केयरफुल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हिस्ट्री, ऑप्शन आर हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकल, हिस्ट्रॉनिक्स या हिस्ट्रॉनिक, एंड द करेक्ट आंसर इज़ द हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल इज़ द एडजेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फाइंड इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एंटोनिम्स, आपको इनमें करेक्ट जो एंटोनिम्स हैं वो फिल करना है। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड।
अपोजिट. देन क्वेश्चन नंबर 11, एंजल्स डिसेंड फ्रॉम द हेवन. ऑप्शन आर इंक्रीज, असेंड, गैलॉप, कम डाउन. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, असेंड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माला लुक्स प्रिटी. ऑप्शन आर अगली, फाइन, फेयरली या अनइम्प्रेसिव. एंड द करेक्ट आंसर इज द माला लुक्स प्रिटी, इसका होगा अगली. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन मस्ट नॉट डिस ओबे द बॉस. ऑप्शन आर रेजिस्ट, ओबे, ओबियंस या सबमिशन. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ओबे इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नथिंग इन द लाइफ रन स्मूथ. ऑप्शन आर पॉलिश, फाइन, रफ या रफन. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, रफ. देन लास्ट क्वेश्चन इज द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल हैज क्लोज्ड ऑल एडमिशंस. ऑप्शंस आर ओपन, लिमिटेड, शट या डिस्क्लोज. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, शट. शट इज द करेक्ट आंसर. ये टोटल 15 क्वेश्चंस थे जो आपके HP PGT के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, या आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हो उन सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे. तो चलिए आज की क्लास में इतना ही. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय, टेक केयर.